इस वक्त हमें सरहद पार सहाफी हैं, भारतीय स्पोर्ट्स सहाफी उमेश शर्मा ने ज्वाइन किया है। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उमेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि आज पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था वो मंसूख कर दिया गया, क्या वजूहत बनी है? सर, उसके पीछे मतलब कोई ऐसी मतलब मैसिव कोई मतलब बड़ा मेन नहीं है। और बात यह है कि कई बार क्या है, बैंगलोर का जो वेदर है वो मिक्स्ड वेदर रहता है, तो वेदर कंडीशंस उस तरह की रहती है, क्योंकि बैंगलोर में मैं खुद काफी अरसा रहा हूँ, तो वहाँ का मिक्स्ड रहता है कभी मतलब वो मिक्स्ड। इस वजह से क्योंकि पुणे में जब इंडियन टीम पहुंची थी तो कल उनका भी प्रैक्टिस सेशन करके मनसूख कर दिया गया था, वो आज उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। और बाकी दोनों टीम्स की होपफुली कल से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों की रहेगी बैंगलोर में। अच्छा, टीम जो है वो बेंगलोर पहुंच चुकी है, और क्या आज रूटीन रही है? क्योंकि हमने देखा है कि अहमदाबाद में टीम को एक महदूद किया गया था, यानी उस तरह से जिस तरह वो बाकी शहरों में अपने जो है वो मामलात को देख रहे थे उस तरह से नहीं इजाजत थी, यानी उनका जो है वो लाइफस्टाइल थोड़ा सा महदूद किया गया था। क्या बेंगलुरु में भी इस तरह से है या थोड़ा सा फ्री हैंड दिया गया है? सर, बेंगलुरु का अगर आप कंपैरिजन बेंगलुरु से अगर आप करने की बात कर रहे हैं, तो बेंगलुरु में थोड़ा है माहौल मतलब उतना हाईली रिस्ट्रिक्टेड और जितना अहमदाबाद में कंडीशंस थी उतनी नहीं है। जो आपको हैदराबाद में देखने को मिला था उतनी उसी तरह की चीजें बेंगलुरु में है, फ्री हैंड थोड़ी सी, क्योंकि हमारे इधर लगभग ये माना जाता है कि साउथ की ऑडियंस काफी थॉटफुली ग्रेजुएटेड और काफी अच्छे सपोर्टिव क्राउड, और वहाँ का वैसा भी माना जाता है, इसलिए उसने यहाँ के लिए जो साउथ का एरिया जो पड़ता है थोड़ा सा फ्री हैंड कर दिया जाता है। चेन्नई आपका हो गया, हैदराबाद हो गया, चाहे वो हो गया, ये चीज है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि हमने देखा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी जानिब से रिजवान के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि उन्होंने जो है वो अपनी मजहबी जो रसूमात होती है वो अदा किए, नमाज को अदा किया है, और उस पर हमने देखा कि भारतीय जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो महकमा है उनकी जानिब से मुजम्मत भी की गई। सो आप किस तरह से देखते हैं, क्या एज अ प्लेयर अगर वो नमाज अदा करें तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी बात होनी चाहिए? हर प्लेयर की अपनी जो है वो मजहबी ताल्लुक होता है, हर बंदे की वो कहते हैं ना कि एफिलियंसी होती है, सो आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? सर जस्टिफाई आप करने की बात करें, रिजवान को सुप्रीम कोर्ट के उन वकील साहब को उन्होंने की है, क्योंकि बात यह है कि अगर कोई प्लेयर अपना मजहबी रसूमात हो गई, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, मैं खुद एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, अगर मुझे कहीं मौका मिलता है, मुझे कहीं मंदिर जाने का वक्त शाम का टाइम हो गया, तो हम अपने कुछ कामों को मुलतवी करके मैं जाऊंगा जरूर, ठीक है। उसी तरह रिजवान के एंड से हुआ ना, भारत का इमेज खराब हुआ, पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया कि प्लेयर को जो है वो अपनी मजहबी आजादी हासिल नहीं है। सो इस हवाले से क्या भारतीय इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया है? सर, भारतीय इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई नोटिस लिया गया है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों का नोटिस लेना चाहिए। फिर जैसे जैनब अब्बास वाले केस में जिस तरह से रिपोर्टरे किया गया था, वो पर्सनल रीजन से गई थी, उसको डिपोर्टेड बताया, बहुत आपके वक्त का। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी तक जो वर्ल्ड कप जा रहा है भारत में, हाइप तो बहुत ज्यादा थी अभी तक, आपको क्या लग रहा है? चूंकि काफी ऐसे मामलात हैं जो कि शायद इतने अच्छे नहीं चलाए जा रहे, आपको क्या लग रहा है अभी तक अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो? सर मेरे को उम्मीदें हैं अभी भी इंतजामिया से, उनसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, और होप डिसअपॉइंट तो नहीं, लेकिन मेरे को इंतजामिया और मुंतजमीन से ज्यादा मेरे को जो रिस्पॉन्सिबल रोल लगता है वो मिल रही है, क्योंकि मैं भी मीडिया में हूँ, आप लोग भी मेरे कलीग हैं, आप लोग भी मीडिया, तो एक मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसमें बड़ा मैटर करती है। इंतजामिया और मुंतजमिन के बाद जो सबसे बड़ा मेजर किसी भी हाइप को क्रिएट करने में, अंडर ओवररेट करने में मीडिया का ही, चाहे वो प्रिंट हो चाहे डिजिटल हो चाहे टीवी हो, तो के जो हवाले से जो चीजें होती है ना उससे भी इम्पैक्ट ऐसे जाते हैं कि कोई किसी मैसेज कुछ मैसेज आ जाता है, चाहे वो रिजवान का केस हो चाहे जनाब केस हो चाहे वो अहमदाबाद क्राउड, ऐसी कुछ जाती है, तो मेरा कहने अच्छा उमेश, ये बताइएगा कि भारत में एक वबा फैली हुई है जिससे पाकिस्तानी क्रिकेटर भी काफी उस हद में आए हैं, क्या इसके अलावा किसी और टीम के खिलाड़ी भी बीमार हुए हैं, कोई ऐसी इत्तलात है आपके पास? नहीं, वबा का सीन अभी नहीं है, और ये हाँ डेंगू जरूर सुमन गिल को हुआ था, वो तो एक पर्सन मतलब हो जाता बुखार का, वो पर्सन टू पर्सन हेल्थ वाइटल्स वेरी करते हैं, बाकी ऐसी कोई वबा अभी नहीं है, अभी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ सीरियस मामला नहीं है। हाँ ये है कि मतलब वो वेदर कंडीशन होती है, मौसम में हिंदुस्तान पाकिस्तान चेंज हो रहा होता है,
तो कई बार पर्सन टू पर्सन क्या है वेडिंग में तो क्या कोऑप करने में थोड़ा सी चीज ये है। शुभमन गिल भी बीमार हुए, डेंगू हुआ उनको, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी डेंगू हुआ, तो क्या देख रहे हैं इसको, किस तरह इससे इसको जज करना चाहिए? इसमें सर मैं तो टीम उनकी टीम है, फिजियोज हैं और जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है उनको ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि ये इसमें वेदर जो है बदल रहा है, ये ट्रांजिशन का गर्मियों से सर्दी होते हैं और तो इसमें क्या है डेंगू हुआ और भी तो थोड़ी बहुत जो मजीद भी हम बात जो है वो करते रहेंगे और आपसे फर्दर भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो अतीक ने बात की है कि शुभमन गिल भी जो है वो डेंगू में मुब्तला हुए हैं और रिसेंटली भी पता लगे कि हर्षा भोगले जो भारतीय कमेंटेटर हैं वो भी डेंगू के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि भारतीय जो हुकूमत है, जो भारतीय खेल की इंतजामिया है, उनको कुछ ना कुछ इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। डेंगू का स्प्रे है पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि अगर कोई लाइट भी ऑफ हो जाए तो इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन भारत में जो कुछ हो जाए तो वो उनकी मनमानियां हैं। लेकिन उमेश ने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।